गुरुवार को जिले के चार लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। अनंत फनन में प्रशासन ने चारों गांव को सील करते हुए उन्हें हॉटस्पॉट घोषित कर दिया और मरीजों के संपर्कों की तलाश तेज कर दी। इन गांवों को सैनिटाइज कराया गया और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी तेज कर दी है। एक साथ चार मरीज मिलने और चारों के परिवार के साथ गाँव में रहने वाले हजारों लोगों की जान सांसत में आ गई है। आपको बता दें, बेलीपार के कटिया निवासी हीरा के शव के साथ उन्नाव से एम्बुलेंस से गोरखपुर आने वाले दो लोगों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पता चला कि उनके साथ जिले के सात और लोग मुंबई से आए हैं। उन्नाव प्रशासन ने बिना जांचे और उन सातों लोगों को बस से गोरखपुर भेजा था। मंगलवार की रात प्रशासन ने इनकी तलाश शुरू की तो पता चला कि बांस गाँव के जिगना गोला के हरपुर के साथ के बाद बुजुर्ग झगहा के इटावा, बेलाघाट के केसरिया और शाहपुर और गगहा के जगदीशपुर भलुआन के साथ कामगार 9 मई को अपने गांव पहुंचे थे और तब से अपने परिवार के साथ रह रहे थे। इस संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि साउथ क्षेत्र में कुल 10 थाने हैं, जिनमें से 3 थाना अंतर्गत हॉटस्पॉट बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से अपने गांव पहुंचे श्रमिकों को होम क्वारंटाइन और प्राथमिक विद्यालयों में क्वारंटाइन रहने के लिए रखा गया है। साथ ही इनकी निगरानी भी की जा रही है। अगर यह बाहर घूमते या इनके संपर्क में कोई व्यक्ति आ रहा है तो गांव का तो इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये शिकायतें आ रही हैं लगातार कि लोग जो है खाना देने के बाद में संपर्क करते हैं। वो जो लोग भी संपर्क कर रहे हैं वो इस बात से अवगत हो जाए कि घर से संपर्क करते हैं तो उनके खिलाफ फिर मुकदमा और कार्रवाई की जाएगी। लगातार शिकायतें आ रही है, मॉर्निंग वॉक किया जा रहा है। आप लोग 14 दिन के लिए अगर क्वारंटाइन हुए हैं तो यही अंदर रहिए, बाहर किसी से भी संपर्क नहीं करेंगे। घर के लोग खाना देंगे तो उचित दूरी से खाना देंगे और उन बर्तनों को भी अलग रखा जाएगा। बार बार बताया जा रहा है, चिताया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब एक बार बताया जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खाली लोगों का अपने घर परिवार का ख्याल रखिए, इस तरह जो है गड़बड़ करेंगे तो नुकसान हो। बार बार प्रशासन द्वारा चिताया जा रहा है, आप लोग मान नहीं रहे हैं। कोई भी घर से संपर्क नहीं करेगा, जो घर में क्वारंटाइन है वो घर में रहेगी, किसी से संपर्क नहीं करेगा। जो स्कूलों में क्वारंटाइन है वो भी स्कूलों में ही रहेंगे, बाहर नहीं घूमे फिरेंगे। शिकायत मिलने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। चल रहे हैं दूसरे लोगों को संपर्क कर रहे हैं। क्वारंटाइन का मतलब आप जो है घरों से नहीं निकलेंगे, अपने घरों में ही रहेंगे। किसी से जो लोग स्कूलों में क्वारंटाइन है, इस तरह की शिकायतें आ रही कि आप लोग बाहर निकल रहे हैं, अनावश्यक लोगों से मिल रहे हैं। बार बार बताया गया है आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। डायरेक्ट इधर अपने बिना किसी को बताया है। भी जैसे आता जाता है, खाना पीना में भी सावधानी रखिए, दूरी से रखिए, बर्तन को संभाल के रखिए। खाना हम लोग एक ही बर्तन अच्छा है, रहा, तो वापस देते हैं जाना है। क्यों आप लोग उजियार रहोगे, सावधान रहोगे, सबकी बचत होगी। मिल रही है कि ये लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, सबसे संपर्क करते हैं। क्वारंटाइन का मतलब समझिए, आपको एकांत में रहना है, अपना खाना पीना सारी व्यवस्थाएं अलग रखनी है। इस तरह की शिकायतें मिल रही है, इसको दूर करें और अपनों को सुरक्षित रखें और अपने गांव परिवार को सुरक्षित करें। इस तरह की शिकायतें अगर मिलती है तो फिर उनके विरुद्ध मुकदमा लिखा जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी एक आदमी के लिए पूरे गांव को दोषी नहीं बनाकर। मेरी आवाज आ रही होगी, अच्छी तरह से समझ लें। क्वारंटाइन मतलब अकेले रहेंगे, किसी से संपर्क नहीं करेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। लगातार शिकायतें आ रही है कि आप लोगों के द्वारा बाहर निकला जा रहा है, लोगों से संपर्क किया जा रहा है, जो एकदम गलत है। इस तरह की कार्रवाई पर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लोग हैं ये शिकायत मिलती है, उनके घर के लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। अभी कल से आए हैं, अभी आते हैं खाना लेकर जी, और एक दो मिनट रास्ते पक्के पड़ गए तो नहीं नहीं आप थोड़ा सतर्क आदमी है, उनको मना करिए कि दूर से खाना दीजिए। 14 दिन क्वारंटाइन रहना है, सुरक्षित रहना है, इसके बाद तो घर ही जाना है ना। ये कुछ दिनों के लिए अगर मान जाएंगे तो सब पे उपकार होगा इनका, और नहीं तो फिर अगर कोई शिकायत मिलती है, फोटो वीडियो मिलता है तो फिर मुकदमा लिखना पड़ेगा, हमें कार्रवाई कर लेंगे हम फिर। ठीक है, बता दीजिएगा सबको। इस तरह की हरकतें मत करिए, क्वारंटाइन का मतलब
मतलब है आप एकांत में रहें। सिर्फ स्कूलों में नहीं, जो घर में क्वारंटाइन है, घर क्वारंटाइन वाले आदमी भी अपने घर में अलग ही सारी व्यवस्थाएं रखेंगे। गोरखपुर के दक्षिणी क्षेत्र में कुल 10 थाने हैं, जिसमें अभी फिलहाल अभी 3 नए केस पॉजिटिव आ गए हैं, जो कि थाना बांसगांव और थाना गोला और थाना बेलघाट के हैं। इन्हें रेड स्पॉट घोषित किया गया है और यहाँ पे पूरी तरह इसको ब्लॉक करा दिया गया है। देखिए, सबके लिए एक ही आदेश है कि कोई भी अनावश्यक घूमे नहीं, और जिन्हें क्वारंटाइन कहा गया है कि वो होम क्वारंटाइन हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, अगर वो स्कूल कॉलेज में अगर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है तो उसे वहीं पे रहना होगा। अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरी आम जनमानस से, गोरखपुर की जनता से सबसे यही अपील है कि सभी घर में रहें, अनावश्यक कोई भी बाहर ना निकले, और अगर बाहर निकलने की मजबूरी है तो मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और सुरक्षित रहें। यही मेरी जनता से अपील है।